हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, बहुत जल्दी, बहुत देर हो गई। मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी अभी, जल्दी में जल्दी चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे मिलके A few minutes later. मेरे लिए पहुंचे हुए यूनिवर्सिटी में, और क्लास में अभी हमारी शिकवा का स्टार्ट हो रहा है, आर्ट एंड लिटरेचर की क्लास में। सारे दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे साथ बहुत आला फजूल, बिल्कुल फजूल। हाय, शिकवा है ना? यस यस यस। नहीं किसी से हर मुसलमान रहे बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईनाए हस्ती में अवल जोहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। आज मसरूर की बर्थडे हमारे यूनिवर्सिटी, ये देखो काती लेके आ रहा है, मतलब पता नहीं। बे टू यू, बे टू यू, क्योंकि बोलते हैं हैप्पी बर्थडे एमके। ये वाले को यार छेड़ा हो गया, देखो विदाउट शादी के जैसे मसरूर पिघल गया है, जैसे मसरूर पिघलता है वैसे केक भी पिघल गया है। बस सर्दियों में इधर उधर चले जाते, गलती से फेंक जाते। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है। रात में स्टोरी रखी थी इंस्टाग्राम पे, तो मसरूर की बर्थडे थी, अभी मना रहे यूनिवर्सिटी में। ये देखो हालत है इसकी, KGF लगा पड़ा है दाढ़ी से। अगेन हम जा रहे हैं मसरूर का केक काटने। मसरूर, इतने केक कैसे कटवा रहे हो? खैर तो है, एक अभी तो काट गया है, अभी 3-4 केक है, मतलब सबका कटेगा, सबका कटेगा। इतना मेरा इतना कट रहा है, इतना कट रहा है, जिंदगी बर्बाद। केक की बात हो रही, केक भाई साहब जा रहे हैं, पहले केक काटेंगे उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। मसरूर आज ट्रीट दे रहा है हमें, थैंक यू मसरूर ट्रीट दे रहा है हमें। भाई क्या हुआ है, फड्डा शड्डा हुआ है भाई, फड्डा शड्डा। क्या बोल रहे हो? ये लोग इसको लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो वो अपना गुस्सा मुझसे निकाल रहा है, ठीक है। कोई भी इसको लेग नहीं रहा, कोई लड़की मैसेज नहीं करे, गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है। पार्टियां शाटियां होगी और उसके बाद मैं आया हूँ खाना खाने, बहुत भूख लगी थी यार, मैंने कहा छोला चावल खा लेते हैं, बहुत भूख लगी थी। अभी इसको ख़त्म करते, खाने वक्त बात नहीं करते, मिलते हैं फिर घर जाके। तो भाई सीन क्रिएट हो गए एक, कि नजीब को जो है ना, कि मैं ऊपर बंद करके आया था, मुझे पता नहीं था सुबह को मैं जब यूनिवर्सिटी गया, मुझे कौन सा पता कि वो अंदर बैठा हुआ है, मैं बिल्कुल ही भूल गया था और वो अंदर ही था। तो मैं अभी जा रहा हूँ 3 बजे, वो 1 बजे से मैसेज कर रहा है कि भाई आ जाओ, मैं अंदर बंद, तुमने बाहर से लॉक कर दिया। अब मुझे क्या पता, मुझे पता नहीं था कि नजीब मेरे साथ रह रहा है, क्योंकि डेली जाता हूँ तो लॉक करके फिर जाता हूँ, तभी वो अंदर है। तो उसके लिए कुछ खाने पीने का सीन किया है, वो लेके जा रहा हूँ, गालियाँ भी बहुत दे रहा है। तो मिलते हैं फ्लैट पे। One day later. तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपको तो पता है, कल से बिजली नहीं थी कराची में, पूरी कराची में ही लाइट नहीं थी, इस वजह से मेरा फ़ोन हो गया था, डेड बंद हो गया था, इसलिए आपको मैं पूरी डेली रूटीन नहीं दिखा सका। देंगे आज मेरा दूसरा दिन स्टार्ट होता है, आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट फिर से होता है यहीं से। तो चले चलते हैं जल्दी जल्दी, पहले नाश्ता कर दे, नाश्ते के बाद जो होता है वो आपको दिखा दें, क्योंकि आज बिजली चलेगी, कल जो लाइट थी वो चली गई थी, तो जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं भर पाया। तो पहले चलते हैं खाना खाने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नाश्ते में किया क्या जाए, क्योंकि पुड़ियां करी है, मेरा पेट ख़राब। तो मैं सोच रहा हूँ हमें खाने चाहिए गर्म अंडे नहीं, पराठा विथ छोले। अब आ गया हमारा नाश्ता शाश्ता और चाय आ रही है पेंडिंग में भाई। A few minutes later. फाइनली हमने खाना शाना खा के अभी फ्लैट में पहुंचा हूँ, और आज मैं आपको कराची के 3 फैक्ट्स बताता हूँ, कि जो भी सिंध है, कराची को छोड़ के जो भी सिंध है,
उसमें G3 बोलते हैं AK-47 को और कराची में G3 बोलते हैं एक बस को। अगर कहीं भी पूरी सिंध में कहीं भी सायरन बजता है तो हर कोई समझता है या कोई वडेरा आ गया। तो जब भी कराची में सायरन बजता है तो हर कोई कहता है अल्लाह माफ़ करे, किसी ना किसी की मैयत जा रही होगी या एम्बुलेंस जा रही होगी। जैसे है कि अभी मैं जा रहा हूँ नजीब को लेने और नजीब ने बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे लेने आओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ लेने, तो अभी चलते हैं नजीब के पास, उसके बाद मिलते हैं हम। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम जानी को लेके आए थे और जो बाइक का पेट्रोल था वो ख़त्म हो गया था और जो चाबी थी वो गाजी लेके गया था घोटकी, ठीक है, अपने कोट में उसमें पड़ी हुई थी, वो घोटकी चला गया था, चाबी उसके पास, हर चीज़ उसके पास, पेट्रोल नहीं, बाइक में ढक्कन नहीं खोल रहा था। तो जानी आ गए, जानी शाह वेलकम ब्रो। तो इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बोल रहा है आज मैं ब्लॉग में नहीं आना चाहता, बहुत ही मूड ऑफ है इसका, कट चुका है ब्रेकअप सीन्स ब्रो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम जा रहे हैं नहाने, नहा शाह के फुल तैयार होके फिर आते हैं बाहर, क्योंकि पानी गर्म होने पे रखा है, पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद डाल के फिर जाएंगे नहाने, नहाने के फ्रेश होके फिर आते हैं नजीब शाह से मिलते हैं। ये देखो बैठा, मैंने बताया था ना इसको, बस गाने होते और ये फ्लैट होती, जब भी आता है ये गाने ही सुनता है और फ़ोन यूज़ करता है, मेरे साथ तो बैठने आता नहीं है ये। तो जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी जल्दी नहा के फिर आते हैं बाहर, अल्लाह हाफिज़। भाई साहब फाइनली हम हो गए हैं तैयार शार, और आपके भाई ने वादा किया है अपने साथ कि आज के बाद 5 वक्त ही नमाज पढ़ेगा। यानी क्या बोलोगे? सही बोल रहे, मैंने वादा किया है कि 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा और वो भी फैंस को दिखाऊंगा कि मैं 5 वक्त पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दुनिया से आज झुगट रहा है जैसे मेंबर से वो बादल उम्मीद है। ये चीज़ नहीं है कि फ्रेंड्स देखेंगे कि भाई हाँ मेरा हमारा भाई पढ़ रहा है नमाज पढ़ रहा है, भाई मैंने वादा किया है ना खुद के साथ तो पढ़ूंगा, फ्रेंड्स के सामने बता रहा हूँ पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, ठीक है, जैसे मिस ना हो, मतलब एक टाइम टेबल बनाऊंगा ना व्लॉग के हिसाब से तो मिस नहीं होगी। तो अभी फजर की, असर की, जोहर की, अभी जोहर की जो है वो पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह 5 ही वक्त स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की दुआएं हो कि हमें अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। भाई साहब फाइनली आ रही है फैमिली, तो अभी अभी आपका भाई जो है के बर्तन धो रहा है, क्योंकि सफाई मफाई होनी चाहिए भाई, सफाई होनी चाहिए, फैमिली आ रही है, ऐसे ना समझें कि भाई ऐसे ही जी रहे हमारे लोग, फैमिली को तो दिखाना है भाई कि हम बड़ी इज्जत शान शौकत से जी रहे। अभी आपका भाई धो रहा है बर्तन, चलो देखते हैं इसके बाद जो करते हैं। ने भाई बिफोर आफ्टर हमारा पूरा किचन हो गया साफ। अभी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, हालत कैसी लगी पड़ी है गाजी वाले रूम की। कुछ ऐसे है कि गाजी के रूम का ये अशर लगा पड़ा हुआ, तो हम करते हैं इसको गुम। हम जानी से पूछते हैं कि भाई चलो उठो अब घर जाओ, तुम मेरी फैमिली आ रही है, जाओ 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 जाओ। और ये आ गई अपनी जगह पे इधर, तो यहाँ पे सारा सामान हो गया, बकाया क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, फ्लैट पूरा साफ हो गया पूरा। भाई साहब ये हो गई हमारी फ्लैट की सफाई, सफाई सफाई हो गई। तो अभी मुझे लगी है बहुत भूख, तो मैं जा रहा हूँ नजीब के साथ नीचे खाना खाने। अच्छा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद खा के पी के ऐश करके। ओके ओके ओके, नजीब से एक सवाल पूछूंगा, नजीब कल कैसी शादी की थी मैंने तुम्हारे साथ? कौन सी? 12 घंटे वाली। क्या 12 घंटे मतलब? जो तुम्हें ऊपर बंद कर दिया था मैंने, लेके आए बस इसका मुंह देख के बोल रहे हैं चपाती लेके आऊं नान, मैंने कहा इसका नान जैसा मुंह है। फ्लैट पे और ये ताला देखो भाई, चेना का ताला इतना बड़ा, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। हो गया नमाज का टाइम और मैं नमाज पढ़ूंगा और आज का मेरा जो ब्लॉग है वो खत्म होता है यहीं पे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो और मेरे अगले ब्लॉग से जुड़ पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।